दोस्तों यह है हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, देख रहे हैं हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड जो सरकारी कंपनी थी जो कुछ सालों से बंद है। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के दृश्य। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड जो सरकारी कंपनी थी जो कुछ साल से बंद है। दोस्तों हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड वेस्ट बंगाल बर्धमान जिला के रूपनारायणपुर में था, जो सरकारी कंपनी आज के समय बंद है। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड जो सरकारी कंपनी थी जो कुछ वर्षों से बंद है। देख सकते हैं दोस्तों यह है हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। दोस्तों इस कंपनी का इलाहाबाद और हैदराबाद में ब्रांच भी था दोस्तों, और यहाँ पर और कंपनी के लोग अपनी कंपनी छोड़कर यहाँ नौकरी करना पसंद करते थे। इस कंपनी में 7 से 8 हज़ार लोग काम करते थे, जो कि ये कंपनी कुछ सालों से बंद है। देखकर बिल्कुल वीराना सा लग रहा है, ये जगह बिल्कुल खंडर हो रखा है। दोस्तों देखिए यही है हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड जो सरकारी कंपनी थी। यहाँ 7 से 8 हज़ार लोग काम करते थे और आज के समय बिल्कुल वीराना हो रखा है। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड यहाँ पर कभी रेलवे लाइन हुआ करता था और यहाँ पर रेल जाती थी। दोस्तों आगे जाकर आपको दिखा रहे हैं और ये देख रहे हैं यहाँ रेलवे लाइन थी और यहाँ से रेल अंदर जाकर हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के अंदर जाती थी। दोस्तों ये कंपनी कई प्रकार के केबल बनाती थी। यहाँ से मालगाड़ी अंदर जाती थी, यहाँ रेलवे पटरी थी और देख रहे हैं आज बिल्कुल वीराना हो गया है ये जगह। ये देखिए रेलवे लाइन अभी भी बिछी हुई है, देख सकते हैं ये सामने टूटी फूटी रेलवे लाइन। यहाँ से मालगाड़ी अंदर जाती थी फैक्ट्री के अंदर। देख रहे हैं दोस्तों ये दीवारें, ये हिंदुस्तान केबल्स की बाउंड्री और इसकी दीवारें देख रहे हैं बिल्कुल जर्जर हो रखा है। दोस्तों अब हम आपको इस कंपनी के टूटे फूटे क्वार्टर्स वहां के दृश्य आपको दिखाएंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड वेस्ट बंगाल बर्धमान जिला के रूपनारायणपुर में था, जो सरकारी कंपनी आज के समय बंद है। देख सकते हैं हिंदुस्तान केबल्स के जो क्वार्टर हैं टूटे फूटे क्वार्टर, उसकी हालत देखिए। दोस्तों इस कंपनी की क्रिकेट मैदान हो या स्कूल, सिनेमा हॉल और अपनी कैंटीन भी थी। दोस्तों यह है मेन गेट, यहाँ रोज 7 से 8 हज़ार एम्प्लॉय आते जाते रहते थे। यहाँ मार्केट भी था और इस जगह बहुत भीड़ भाड़ भी रहता था। दोस्तों बने रहें, दृश्य बाकी है। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड जो सरकारी कंपनी थी, यहाँ के आसपास के दृश्य देखिए, बिल्कुल कंपनी के सामने ये एक पार्क है, खेल कूद के लिए मैदान, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। यहाँ बाउंड्री अभी भी है, देख सकते हैं यह टूटी फूटी बाउंड्री है। आज के टाइम हिंदुस्तान केबल्स के सामने इस मैदान में लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। देखिए बाउंड्री बिल्कुल टूटी फूटी सी है, टूट चुकी है। देखिए ये भी हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड का हिस्सा है, बिल्कुल वीराना हो चुका है। दोस्तों हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के ढेर सारे क्वार्टर्स टूटे फूटे पड़े हैं पर सारे आपको दिखा नहीं पाएंगे, कुछ क्वार्टर्स टूटे फूटे क्वार्टर्स आपको दिखाएंगे। देख रहे हैं एक तालाब है और इधर भी एक तालाब है, ये देखिए तालाब। और यहाँ सारा का सारा ये जगह हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड का ही है। कंपनी बंद हो गई है दोस्तों और ये जगह ऐसे ही खाली पड़ी है, जो सरकार के हैं ये जगह। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड कंपनी के कुछ क्वार्टर टूटे फूटे हैं आपको दिखा रहे हैं, आगे जाकर बने रहिएगा वीडियो में। अब हम इधर से सीधा जाएंगे, जो टूटे फूटे क्वार्टर हैं हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के आपको उधर जाकर दिखाएंगे। ये कोई हॉल टाइप का दिख रहा है, जैसे टूटा फूटा सिनेमा हॉल हो। आज के समय इसमें यहाँ कुछ है भी या नहीं पता नहीं चल रहा है। पानी की टंकी है, देखिए ये सारे जगह हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के हैं। यहाँ वृद्धाश्रम बना रखा है, ये देखिए वृद्धाश्रम बंगला भाषा में लिखा है। दोस्तों देखिए यह है हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के क्वार्टर्स जो टूटे फूटे हैं।
चलिए दोस्तों आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के क्वार्टर हैं। देखिए ये हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के क्वार्टर हैं, टूटे फूटे क्वार्टर देख रहे हैं। कोई चोर चकारे की भी तोड़ के लेके गया है। देखिए आप सोच सकते होंगे, समझ सकते होंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए वीडियो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन और ऑल भी कर दीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों देखिए सामने कुछ क्वार्टर्स साइड केबल्स का हो, देखिए दोस्तों ये केबल्स के क्वार्टर हैं जो बिल्कुल टूट फूट गया है, वीराना हो रखा है। शायद ये स्कूल था, स्कूल जैसा लग रहा है। और यहाँ पर पानी टंकी है, यहाँ पर शायद दुर्गा पूजा हुआ था इस साल। शायद यहाँ आसपास के लोग दुर्गा पूजा किए होंगे। पंडाल को देखकर लगता है यहाँ दुर्गा पूजा होता है। देखिए ये सारे जर्जर हो रखा है और वीराना सा हो रखा है केबल्स के क्वार्टर, जो टूटे फूटे स्कूल जैसा लग रहा है। आगे दृश्य और बाकी है दोस्तों, देखते रहिए। और ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी है। दोस्तों इस वीडियो में आपको हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड का थोड़ा सा ही भाग दिखाया है। जैसे कि अभी आपने देखा है वृद्धाश्रम, ये देखिए हिंदुस्तान केबल्स पुनर्वासन समिति वृद्धाश्रम, यहाँ पर वृद्धाश्रम बना रखा है जो अभी आपको दिखाया है वृद्धाश्रम। देखिए देखकर लगता है लोग यहाँ रहते होंगे। ये सारे केबल्स के क्वार्टर हैं, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के क्वार्टर हैं। देखिए देख सकते हैं ये सारे क्वार्टर हैं, कंपनी के क्वार्टर, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर हैं। ये भी खाली पड़ी है और देख रहे हैं। देखिए जो सामने देख रहे हैं ये भी केबल्स का ही क्वार्टर है। देखिए दोस्तों अभी हम वहीं पर वापस आ गए हैं, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड गेट के सामने देख रहे हैं। इस जगह को कहते हैं केबल्स गेट। यहाँ पर देखिए डीएवी स्कूल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।